दोस्तों, भोजपुरी की सुपरहिट फिल्में परिवार, विधाता और बकलोल दुल्हा जैसी फिल्मों में नजर आने वाले एक्टर पंकज केसरी तो आप सबको जरूर याद होंगे। और दोस्तों, आप सब में से कई सारे ऐसे दोस्त होंगे जो शायद पंकज केसरी को अभी तक भुला चुके होंगे। वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पंकज केसरी के लाइफ के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, पंकज केसरी का जन्म बिहार के पटना शहर में हुआ, और दोस्तों उन्होंने अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई पटना से ही की। वेल, आपको बता दें कि पंकज को बचपन से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट था, और दोस्तों इसी वजह से पंकज अपनी पढ़ाई के साथ साथ पटना के कई थिएटर्स में रंगमंच कार्यक्रम में हिस्सा लेते थे। दोस्तों, अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद पंकज आगे की पढ़ाई करने के लिए मुंबई चले गए। दोस्तों, मुंबई में कॉलेज की पढ़ाई करने के साथ साथ पंकज केसरी अपने एक्टिंग पे भी काम कर रहे थे। और दोस्तों, आपको बता दें, मुंबई के सबसे बड़े थिएटर यानी कि पृथ्वीराज थिएटर में पंकज केसरी काम किया करते थे। हालांकि इनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट इनके कॉलेज लाइफ से ही मिला। एक दिन पंकज केसरी के कॉलेज में एक टीवी का ऑडिशन चल रहा था। दोस्तों, उस ऑडिशन में पंकज केसरी भी शामिल हुए और उन्होंने अपना ऑडिशन दिया। और दोस्तों, आपको बता दें कि पंकज केसरी को उस ऑडिशन में सेलेक्ट कर लिया गया। दोस्तों, इसके बाद लगभग 2 सालों के लिए एज अ होस्ट उन्होंने एक बड़े टीवी चैनल के लिए काम किया। और दोस्तों, इसी बीच जब पंकज उस टीवी शो के लिए काम कर रहे थे तो उन्हें एक भोजपुरी फिल्म का ऑफर आया। वेल, आपको बता दें कि पंकज का इंटरेस्ट कभी भी भोजपुरी फिल्म में करने का नहीं था, लेकिन उनके फ्रेंड के सजेस्ट करने पर उन्होंने भोजपुरी फिल्में की। दोस्तों, उस फिल्म का नाम था हमार घरवाली, जिसमें रवि किशन और रिंकू घोष एक साथ नजर आए थे। वेल दोस्तों, इस फिल्म में पंकज केसरी ने भी काम किया, और दोस्तों ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। और दोस्तों, शायद यही कारण है कि इस फिल्म की सफलता के बाद पंकज केसरी को कई सारी नई फिल्में मिली। और दोस्तों, उन्होंने कई सारे फिल्में की, जिसमें बकलोल दुल्हा, परिवार, विधाता, तेजाब और भी कई फिल्में शामिल है। हालांकि आपको मैंने बताया कि पंकज कभी भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपने दोस्त के कहने पे उन्होंने इन फिल्मों में काम किया। दोस्तों, आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्मों में काम करते करते पंकज केसरी अपने सपने पे भी काम कर रहे थे। दोस्तों, उनका सपना था कि वो किसी बड़े इंडस्ट्री में काम करें। दोस्तों, पंकज की कोशिशें एक दिन रंग लाई, और आपको बता दें कि पंकज केसरी को पहली बार साउथ सिनेमा में काम मिला फिल्म कालीचरण में, जिसमें उन्होंने विलन का किरदार निभाया। दोस्तों, आपको बता दें कि कालीचरण बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही, और जिसमें पंकज केसरी की एक्टिंग को भी सराहा गया। और दोस्तों, इस फिल्म ने पंकज केसरी के लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया। वेल, आपको बता दें कि इसके बाद पंकज को कई सारी और साउथ फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया, जिसके बाद उन्होंने बम भोलेनाथ, सिवाय, वेयर इज वेंकटेश लक्ष्मी, रानागरम और भी कई फिल्मों में काम किया। और दोस्तों, आपको बता दें कि साउथ इंडस्ट्री में पंकज केसरी एक बहुत बड़ा नाम बन गया है। दोस्तों, रवि किशन के बाद पंकज केसरी दूसरे ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत की थी, और आज वो साउथ इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। आपको बता दें कि साउथ इंडस्ट्री से मिली पॉपुलैरिटी की वजह से उन्हें बॉलीवुड में भी काम करने का मौका मिला, और दोस्तों उन्होंने बॉलीवुड मूवी काशी, इन सर्च ऑफ गंगा में काम किया। दोस्तों, आजकल पंकज हैदराबाद और मुंबई में रहते हैं, और आपको बता दें कि पंकज ने अभी भी भोजपुरी इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा है। दोस्तों, पंकज का ऐसा मानना है कि भोजपुरी उनकी मातृभाषा है, और वो अपनी मातृभाषा के लिए काम करते रहेंगे। दोस्तों, पंकज केसरी भोजपुरी में हो रही अश्लीलता के विरोधी हैं। दोस्तों, इसीलिए वो भोजपुरी में बहुत कम ही फिल्में करते हैं, लेकिन उनका मेन फोकस भोजपुरी में साफ सुथरी फिल्म बनाने का है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो पंकज केसरी को लगभग भूल चुके हैं,
दोस्तों पंकज केसरी भोजपुरी के ऐसे कलाकारों में गिने जाते हैं जिनका काम बहुत अच्छा था, लेकिन उन्हें उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए, और इसी वजह से इस स्टार ने साउथ इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाया। वेल, हमें गर्व करना चाहिए ऐसे एक्टर पे। वेल दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।